नमस्कार, आप देख रहे हैं हसनपुरा न्यूज एक्सप्रेस। जीवन में स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। अगर इंसान स्वस्थ रहेगा तो भी आगे बढ़ पाएगा, अपने टारगेट को अचीव कर पाएगा। खासकर महिलाओं के लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है जब मासिक धर्म शुरू होता है, तो इसका ख्याल रखना है। तो मैं आपको बता दूँ कि इसी संदर्भ में हसनपुरा प्रखंड के लहेजी पंचायत के लहेजी बाजार के ठीक सामने ये न्यू आइडियल कोचिंग संस्था है, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं कैन फ्लाई की टीम। जी हाँ, कैन फ्लाई डॉक्टर पंकज चौरसिया जी जो इसके डायरेक्टर हैं, और उन्हीं के द्वारा कहा जा सकता है पैडमैन, हसनपुरा प्रखंड के पैडमैन डॉक्टर पंकज चौरसिया के द्वारा आविष्कार किया जा रहा है कैन फ्लाई का। और गांव में, शहर में, कोचिंग संस्था में घूम घूम कर इनकी टीम और ये बच्चियों को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। जागरूक के अलावा डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कैन फ्लाई का, और डिफरेंस भी बता रहे हैं कैन फ्लाई का कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है जब मासिक धर्म में पैड लगाना होता है। खासकर गाँव के लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उसको कैसे इस्तेमाल करें, कपड़े से दूर रहें, इन्फेक्शन से कैसे बचा जाए, इसी के संदर्भ में यहां पे पहुंचे। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर पंकज चौरसिया और उनके सपोर्ट स्टाफ टीम। आइए मिलकर बातचीत करते हैं। ठीक है, ये हमारा प्रोडक्ट का नाम है कैन फ्लाई। ठीक है, और कैन फ्लाई का मतलब होता है, जैसे आपको ये बताएगा कैन फ्लाई का हिंदी बताइए कोई लड़की, कैन फ्लाई का आप लोग 9th 10th स्टूडेंट है, कैन को अलग कर दो, फ्लाई को अलग कर दो, बताइए क्या हुआ बाबू, बताओ, सिर्फ इसका बताइए फिर इसको बताइए। हाँ बिल्कुल, बोलो, यही दिक्कत है, तुम लोग जानती सब बोलती नहीं हो, बोल बेटा बोलो। के कोचिंग संस्था में डॉक्टर पंकज चौरसिया आए, कैन फ्लाई का डिस्ट्रीब्यूट किया, इन्फेक्शन से बचने के बारे में बताया, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। अच्छा, क्या इसको इस्तेमाल करना चाहिए? यस सर, इन्फेक्शन से बचने के लिए। हाँ, क्या नाम हुआ आपका? रश्मि कुमारी। देखिए, मैं सबसे पहले नमस्कार आप सबको, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि सर मेरे गांव के बारे में इतना अच्छे सोचें कि मेरे गांव में आके ये सब बता रहे हैं, सारी लड़कियों को जागरूक कर रहे हैं कि मतलब गंदे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है, ऐसे पैड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्टेफ्री हो गया, कैन फ्लाई, मतलब ये सब मेरे तो न्यू प्रोडक्ट है, तो मैं इस बात के लिए बोलूँगी कि लड़कियाँ गंदे कपड़े का इस्तेमाल ना करें। सबसे पहली बात कि गंदे कपड़े इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन होती है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं, कुछ मतलब जैसे 35 के एज में जाकर उसके बाद बच्चेदानी का ऑपरेशन होगा, ये मतलब बहुत सारी बीमारियां होती हैं, तो इसीलिए हम लोग बस यही सोचे हैं कि अब की जो बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उन सबको बचाया जाए इन सब बीमारियों से। ज़्यादातर हॉस्पिटल में जाती हैं लोग तो गाँव के ही लोगों को ऐसे सुनाई देता है कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, मतलब आपका कहना है कि पैड्स बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है ये, अब मतलब ऐसे बहुत सारे हैं लेकिन मेरे प्रोडक्ट ये है कि इसमें सेब जल की ज़्यादा ये है, सेब जल जो टेक्नोलॉजी है इसमें, उसमें सोखने की क्षमता ज़्यादा है, और अगर गीलापन ना रहे तो इचिंग जैसे ये, हाँ जैसे इचिंग नहीं होगा, खुजली टाइप पे कुछ नहीं होगा, तो इससे बच्चियाँ बच सकती हैं, यानी सबसे सुरक्षित है कैन फ्लाई जी। हाँ, इस्तेमाल के दौरान, उस दौरान सबसे सेफ और सुरक्षित, जल की ज्यादा ये है। हाँ, तो उस सोखने की क्षमता, जैसे स्टेफ्री हो गया, अब हम तो सबका नहीं बता सकते लेकिन हमारी जो प्रोडक्ट है उसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी है। तबस्सुम खातून, गांव में जा रहे हैं, शहर में जा रहे हैं, गांव में जा रहे हैं, और मैं गांव, सबसे ज़्यादा तो गांव की लड़कियों को इम्पोर्टेंट ही है, गांव की लड़कियों को बताना ज़रूरी है कि ये मासिक धर्म में हमें कपड़े का यूज़ नहीं करना है, पैड का यूज़ करना है, जिससे हम सुरक्षित रह सके, और लोगों को भी मतलब आपको एक दूसरे को बताना है, जागरूकता करना है अदर लड़कियों को कि उन्हें भी पता चले। और शहर में तो उसमें तो उधर ये प्रॉब्लम होती है कि सारे लोग उधर थोड़ा पढ़े लिखे ज़्यादा होते हैं, थोड़ा समझदार होते हैं, गाँव में ये चीज़ की जानकारी कम होती है, इसलिए हमें ज़्यादा ये गाँव के लोगों को बताना है, गाँव के लोगों को बताना जी। बहुत अच्छा, पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रीति कुमारी है। आप क्या करती हैं इसमें? मैं हेल्थ ऑर्डिनेटर हूँ। सर, आप हसनपुरा प्रखंड के या फिर विभिन्न प्रखंड के कोचिंग संस्था में जा रहे हैं, लड़कियों को, महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, खासकर शहर की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनमें और देहात में जा रहे हैं, तो क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है, किस तरीके से आप उनको जागरूक कर रहे हैं? जी, सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारा ये 10वां चरण है नारी स्वच्छता अभियान तहत, हमारा 10वां चरण ये हसनपुरा प्रखंड के लहेजी स्थित आइडियल पब्लिक स्कूल में हम लोग आज उपस्थित हैं, आइडियल कोचिंग में, और सर लोग का बड़ा सहयोग मिला है यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारी जो गांव की बच्चियाँ हैं, गांव की जो महिलाएं हैं,
थोड़ा मैं ये नहीं कहूँगा इसमें कमी आई है, जागरूकता में कमी आई है, लेकिन थोड़ा सा एक्टिव होने की ज़रूरत है। शहर की लड़कियाँ गांव की अपेक्षा थोड़ा एक्टिव ज़्यादा हैं, हर चीज़ अपने बातों को शेयर करती हैं, बताती हैं और अपने प्रॉब्लम्स को डॉक्टर से शेयर करती हैं। तो हमारे अभियान ये है कि जो गाँव की बच्चियाँ हैं, जो खासकर जो हेजिटेशन के शिकार हैं, जो लगता है कि नहीं हम बोल पाते हैं, तो हमें ये हमारा यही अभियान है कि हम बच्चियों के साथ शेयर करें, उनके प्रॉब्लम्स को शेयर करें, उनके प्रॉब्लम को समझें और उनके प्रॉब्लम्स जो भी हैं उनको हम लोग समझ के उनको दूर करने की कोशिश करें। तो हमारा अभियान ये गांव में चल रहा है ताकि हमारे बच्चियां भी स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। कैन फ्लाई जो है अदर प्रोडक्ट्स भी मार्केट में है, लेकिन कैन फ्लाई आप जो डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारी माताएं बहनें जो इस्तेमाल कर रही हैं वो रिप्लाई कर रही हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है ये। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप लोग यूज़ कर रही हैं, आप लोग खुद बता रही हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हमने जो काम किया है उसका सहयोग मिल रहा है, वो काफ़ी उसको सराहा जा रहा है। और मेरा पूरा यकीन है कि एक दिन कैन फ्लाई ये पूरे देश में इसका राज होगा, पूरे देश में चलेगा। हमारी माताएं बहनें इसको यूज़ कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं और अनावश्यक बीमारियों से बचने की कोशिश कर रही हैं और बच भी रही हैं। इस सिचुएशन में किस तरीके से अपने आप को स्वस्थ रख सकेंगे महिलाएं और लड़की, आपके दृष्टिकोण से देखा जाए तो जब मासिक चक्र शुरू होता है उसमें किस तरीके से स्वस्थ रहा जा सकता है महिलाओं और लड़कियों? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सैनिटरी पैड का यूज़ करना है, मासिक धर्म के दौरान आपको यूज़ करना है, कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना है और बेहिचक आप लोग दुकान पर जाएँ, मांगें इस चीज़ को, शरमाएं नहीं, अपने प्रॉब्लम्स को शेयर करें, अपने पेरेंट्स से अपने प्रॉब्लम शेयर करें, अपने डॉक्टर से अपने प्रॉब्लम शेयर करें और अपने आप को स्वच्छ रखें।